स्वागत है एक नए व्लॉग में। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल हूँ दीव, तो आज मैं सफ़र करूँगा जय ट्रैवल्स में गोल्डन फिश। जैसे कि बस का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन फिश लिखा गया है, और ड्राइविंग पे है फ़िलहाल अभी अल्ताफ भाई। तो टाइम हो रहा है अभी 12, अभी ये गाड़ी एक आधा घंटा अभी यहाँ से लेट है दीव से, क्योंकि थोड़ा बहुत ये इसका सर्विस का काम चल रहा था। तो आज का व्लॉग करेंगे हम जय ट्रैवल्स के साथ दीव उना टू मुंबई के लिए। तो दीव से अभी हम निकल रहे हैं और ड्राइविंग पे है अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई कैसे हो आप? बस मजे में, बढ़िया है। मजे में आज आपकी ड्यूटी मुंबई तक है या नहीं है? नहीं, मैं अभी दिल से भर के दूंगा उना तक। अच्छा, तो आज आप वैसे छुट्टी ले रहे हो? अच्छा, इकबाल भाई और इकबाल भाई है। तो अल्ताफ भाई की जर्नी हमारी उना में रहने वाली है। दोस्तों बस के अंदर एक बार नज़र डाल देते हैं। ये है हमारे लेफ्ट साइड में अपर की डबल सीट और ये है लोअर की डबल सीट, और साथ में आपको यहाँ पर मिलता है चार्जिंग पॉइंट और रीडिंग लाइट। राइट साइड भी यहाँ पर आपको सिंगल सीट दिखने मिल जाती है, ये अपर और लोअर की सीट भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी दी गई है। आप देख सकते हो कोई भी एक इंसान आराम से कम्फर्टेबली यहाँ पर रेस्ट कर सकता है, अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकता है। फिर यहाँ पर पर्दे और खूबसूरत सी सीट देख सकते हो, और आपको यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हो लगेज रखने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और अपना शूज़ वगैरह रखने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। तो इस तरीके से कुछ इसका इंटीरियर है। दोस्तों अभी यहाँ से सफ़र मेरा मेन सफ़र शुरू होता है जो है उना में, ये गुजरात में आता है, और यहाँ से अब हम जर्नी शुरू करने वाले हैं। यहाँ से जो ड्राइव करने वाले हैं ये है शोएब भाई, और शोएब भाई के साथ में रहने वाले हैं अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई भी यहाँ पर देख सकते हो अभी फ़िलहाल पैसेंजर के इसमें बिजी है, तो कुछ टाइम में हम मिलेंगे जब ये फ्री हो जाएंगे तब। अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, और अभी ड्राइविंग सीट पे है जो ड्राइवर, उनका नाम है शोएब भाई। शोएब भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया है। बढ़िया, तो जय ट्रैवल्स में दीव उना टू मुंबई के लिए, तो ऐसा 1000 किलोमीटर का सफ़र होता है, तो कैसे अरेंजमेंट करते हो? बस अरेंजमेंट करते हैं, हम दो ड्राइवर रहते हैं, मैं और इकबाल भाई है। बराबर, मैं अभी दिन में चलाऊँगा, नाइट में इकबाल भाई चलाएंगे। तो अभी फिर आप कहाँ तक वैसे ड्राइव करने वाले हो? अच्छा, इसके बाद फिर इकबाल भाई, फिर इकबाल भाई नाइट में गाड़ी चलाएंगे। अच्छा, शोएब भाई वैसे आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग लाइन में? ड्राइविंग लाइन में 8 साल का एक्सपीरियंस है। 8 साल हो गया है। हाँ, और कोई लाइन मुंबई गुजरात लाइन छोड़ के और कोई लाइन में ड्राइविंग? मुंबई और गुजरात। तो अभी साथ में है इकबाल भाई। इकबाल भाई कैसे हो? तो इकबाल भाई वैसे अभी कितना साल हो गया ड्राइविंग लाइन पे, अभी आपको ड्राइव करते हुए? बस लाइन पे तो हो गया मेरा, समझ लो कि
अभी 15 साल हो गए हैं। 15 साल जैसा हुआ है। और पिकअप मैन में है रजाक भाई और कंडक्टर में रहेंगे सिद्दीक भाई। से वाया कहाँ से होते हुए जाएंगे हम? दरवाजा भावनगर बोलेरा तारापुर वडोदरा। हाँ, वडोदरा से सूरत वापी वलसाड़ के डोंगरी तक गाड़ी जाएगी। लास्ट स्टॉप डोंगरी है, डोंगरी तक जाएगी। तो और वैसे कितने बजे तक पहुँचेंगे अपन मुंबई? कोई 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। ट्रैफिक का मसला है, उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे रहता है। मतलब एक अंदाजा 7 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं। तो इन सब के साथ हम जर्नी करने वाले हैं मुंबई तक का। दोस्तों 5:30 को पहुँचे हैं हम तलाजा होटल। यहाँ पर हम कुछ टाइम रुकेंगे और साथ में है जयकोरियल ट्रैवल्स और उसके पीछे खड़ी है भारत ट्रैवल्स। तो दोस्तों अभी 6 बजने में अभी 7 मिनट है और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ड्राइविंग पे अभी कंटिन्यू दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी मेरी चल रही थी, फिर आपके भाई ने सोचा थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी बनाया जाए क्योंकि मेरे सामने बहुत ही शानदार नज़ारा था। बस हमारी जर्नी स्मूथ चल रही थी, फिर लग गई किसी की नज़र, तो कुछ ये हुआ हमारे साथ। दोस्तों बस में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया, तो इकबाल भाई अब देख रहे क्या प्रॉब्लम है इसमें। बस में थोड़ा सा इश्यू हो गया था, तो
कोई इशू एक 10 मिनट में अपने इकबाल भाई ने सॉल्व किया है। आप देख सकते हो वो सो रहे थे और इंजन के अंदर कुछ दिक्कत हो गया था, तो वो भी इन्होंने सॉल्व किया फास्ट फास्ट और हम तुरंत वहाँ से अभी निकल गए। दोस्तों 7:20 और शोएब भाई ने हमको पहुंचा है अभी भावनगर। भाई होल्ड करेंगे इधर। तो अभी जम्मा 9:50 और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे एक 20 या फिर 30 के लिए। होटल सहयोग नाम है और शोएब भाई ने कंटिन्यू। शोएब भाई कितना घंटा ड्राइव? 10 घंटा हो गया मेरे ख्याल से। 12 बजे से स्टार्ट किया था। हम किधर पहुँचे अभी? तारापुर। अभी यहाँ से आपकी ड्यूटी खत्म? अभी इकबाल भाई यहाँ से ड्राइव करना चालू करेंगे, फिर वापस मुंबई सिटी तक अपने शोएब भाई चले। इकबाल भाई हो गई नींद पूरी? इकबाल भाई आराम करके आ गए, अब चलते हैं होटल में। दोस्तों अभी जैक कोरियाल जो एसी वाली बस है वो यहाँ से निकल रही है, हम जस्ट अभी पहुँचे हैं और साथ में है पोकेमोन भारत ट्रेवल्स और होटल का नाम है सहयोग। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:20, हम अभी यहाँ से होटल से निकल रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे भारत ट्रेवल्स भी यहाँ पर है, ये भी अभी निकल रही है। तो होटल सहयोग से निकल गए हैं, ड्राइविंग पे अभी अल्ताफ भाई है
और सेफ है अभी, आप आराम करोगे? अभी आराम करेंगे। तो ऐसा 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद कमर वगैरह सब ठीक है? आपका तो रोज़ का है वैसे डेली का। और इकबाल भाई फुल नाइट ड्राइविंग के लिए तैयार? क्या बात है। Thank you.
इकबाल भाई कहाँ पहुँचे अपन? भरूच ना, नर्मदा ब्रिज भरूच, नर्मदा ब्रिज भरूच, राइट। दोस्तों हमने अंकलेश्वर से पहले पहले हाईवे छोड़ के हम अंदर की तरफ से चल रहे हैं कि पूरा हाईवे जाम लगा हुआ है। तो अपने इकबाल भाई ने पहले ही से ही पता कर लिया था कि आगे ट्रैफिक जाम है। थोड़ा सा अंदर के रास्ते से होते हुए निकलेंगे बाहर की तरफ। मार दे बराबर आ गई क्यों ट्रैफिक दिख रहा है। Thank you.
दोस्तों टाइम अभी 2:50 और हम ट्रैफिक जाम में फिर से फंसे हुए हैं सूरत रुद्रा के पास। तो दोस्तों फिलहाल हाईवे पे बहुत जाम लगा पड़ा है। अपने इकबाल भाई ने कहीं ना कहीं से सेटिंग करके अंदर का रास्ता के निकाला है। इकबाल भाई अंदर का रास्ता कैसे मिला? ये बार बहुत ढूंढने में मिला यार, पहले तो थोड़ा ट्रैफिक में रह गया था मैं। हाँ फिर अभी ये फाटक आया और फाटक खुला है। हाँ फाटक खुला है, अपनी गाड़ी निकल जाएगी आराम से। वहाँ से फिर अंदर का रास्ता ले लिया? हाँ अंदर का रास्ता, वो हाईवे पूरा जाम था ना भाई। क्या लगता है कितना घंटा अपना बचा वैसे? डेढ़ घंटा यहाँ पे, और इससे पहले भी एक डेढ़ घंटा वहाँ पर। वो दूसरे रोड से निकाला था ना उसको भी, वहाँ पे भी एक घंटा, तकरीबन 2 घंटे हमारे वैसे। ये किधर? ये सूरत के अंदर ही ना फिलहाल? ये चल थाना है, चल थाना सूरत के आगे। हाँ चल थाना होके निकल दिया गाड़ी। इकबाल भाई अभी मेन हाईवे पे आ गए ना? हाँ अभी मेन हाईवे चालू हो गया। बजने में अभी और 10 मिनट है और हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र बॉर्डर, और यहां से ड्राइविंग की ड्यूटी अब रहती है शोएब भाई के हाथ में। इकबाल भाई अब यहां से आरंभ करेंगे क्योंकि उन्होंने फुल नाइट ड्राइविंग किया है। सिटी में पहुंच गए हैं, अभी सुबह 8:15 और है और मुंबई सिटी में हल्की हल्की सी बारिश। हम पहुंचे हैं नेशनल पार्क बोरीवली। गूगल पे अभी 8 बजे से बाद अपन मुंबई में पहुंचे तो ट्रैफिक तो आपको झेलना पड़ेगा ना? और अगर 8 बजे से पहले पहुंच गए होते तो फिर पहुंच जाते आप पास पास। दोस्तों पहुंचे हैं हम फिलहाल अभी अंधेरी। दोस्तों मुंबई की ट्रैफिक में हमको 9:30 बजने वाले हैं और हम कुछ टाइम में बांद्रा पहुंचने वाले हैं। और शोएब भाई आज मुंबई का मौसम बराबर नहीं है लगता? आज मौसम बराबर नहीं है और ट्रैफिक भी बहुत है। आज ज़बरदस्त ट्रैफिक भी है और हल्का हल्का बारिश भी शुरू हुआ है मुंबई में। हाँ वो कॉटन ग्रीन फोन करा, मेरे ख्याल से आपको लेट हो जाएगा कॉटन ग्रीन पहुँचने में। बहुत लेट हो गया, 2 घंटा हो जाएगा लेट। या मेरे को आधा घंटा लगेगा पहुँचने में। हाँ गाड़ी 2 घंटा लेट हो गया। हाँ जो सांगे
चलो शेब भाई, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी। इकबाल भाई तो सोए हैं। ओके चलो सादिक भाई। तो दोस्तों फाइनली 9:30 बजे शोएब भाई ने हमको बांद्रा पहुँचा है। अभी मुंबई की सिटी में जाम तो आपको पता ही था। सिद्दीक भाई और ये जय ट्रैवल्स जा रही है यहाँ से। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी जगह के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इंजॉय करें।